हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्नेहास वॉन्डर आर्ट। आज जो आप लोग ये देख रहे हो, इतना भीड़ देख रहे हो, इतना लाइटिंग देख रहे हो, ये सब कृपा है चंदन नगर की जगधत्री माँ जो है, इसका उस फेस्टिवल का लाइटिंग है। तो कुछ बोलने से पहले मैं ये कह दूँ, आप जो हमारे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को। तो व्यूअर्स, कमेंट्स करके बताना मुझे ये क्या ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करके और साइड में जो बेल आइकन है उसे दबा देना है हमारी, इसलिए कि हमारी सब वीडियो आपको पहले मिले। तो मैं अब बोलना शुरू करती हूँ। ये है चंदन नगर की, अपना लाइटिंग बहुत ज़्यादा मज़ेदार था यहाँ पर हमको। और देख रहे हो कितना बड़ा लाइटिंग है, मतलब कितना बड़ा ये देखते हैं। बहुत इंसान हैं और क्या पता नहीं, और कुछ कुछ बहुत ज़्यादा था लाइटिंग यहाँ पे, बहुत अलग अलग लेवल की है। ये जो है ये हाथी के ऊपर बनाया गया है, और भी लाइटिंग से, मतलब सोच रहे हो लाइटिंग से बनाया है हाथी। और ये जो ये एक चील था, ये एक तोते के ऊपर बनाया गया है। तो व्यूअर्स, आप लोग देखते रहो और मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके ये वीडियो और ये जगधत्री माँ है आपको कैसी लगी है। आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हो चंदन नगर पर, मैं आपको वादा करती हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। और ये जो देख रहे हो सड़क, ये पूरा सड़क के ऊपर चल रहा है ट्रक के ऊपर ये लोग लाइट को एडजस्ट करके बांधते हैं। हाँ, और यहाँ पे कितना सुंदर ये ट्रक है, आप लोगों को पता हुआ होगा, लेकिन पीछे से दिख रहे हैं। और ये जो है रोड के ऊपर दोनों साइड पर खाने की स्टॉल है, और बहुत ज़्यादा कुछ और कुछ भी है। बहुत मज़ा है गाइस, यहाँ पे बहुत भीड़ था, बहुत लोग थे यहाँ पे। ये जो लाइटिंग है ये लाइटिंग हमको बेस्ट लगी है। और आप लोग जो हमारे चैनल पे अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर रिक्वेस्ट करती हूँ, तो कर देना सब्सक्राइब प्लीज़। इतना सुंदर चीज़ आपको दिखा रहा हूँ गाइस, इतने भीड़ में।
मुझे तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना आपको लाइटिंग कौन सी पसंद आई है और कौन सी जगधित्री माता पसंद आई है, ज़रूर कमेंट करके बताना। Thank you.
गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, टाटा टेक केयर, थैंक यू हमारा वीडियो पूरा के पूरा दिन के लिए। हमारी हिंदी बहुत टूटी फूटी है और इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, अपना ध्यान रखें।